नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2022 का नरेगा जॉब कार्ड का लिस्ट आप कैसे निकाल करके देख सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। साथ साथ आप उन जॉब कार्ड को आसानी से यहां पर जो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनका पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं कि आपको कितना कितना पैसा मिला है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, narega.nic.in की। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इनका इंटरफेस देखने को मिलता है। आप यहां पर ऊपर आएंगे और ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक साइड में एक कॉर्नर मिलेगा, यहां पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है जॉब कार्ड्स। आपको क्या करना, इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा और आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी स्टेट का आसानी से आप यहाँ पर जॉब कार्ड का लिस्ट निकाल करके देख सकते हैं अपने पंचायत वाइज कि आपका नाम है या फिर नहीं है। यहाँ पर देखिए सभी का यहाँ पर स्टेट का नेम खुल करके आ चुका है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप आसाम से हैं तो आसाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गोवा, गुजरात, हरियाणा, सभी यहाँ पर स्टेट का दिया हुआ है। तो आप जिस भी स्टेट का, जिस भी राज्य का देखना चाहते हैं आपको उसी वाले स्टेट वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। हम चलिए यहां पर बिहार का हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं, तो चलिए हम यहां पर बिहार वाले स्टेट पर हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बिहार का इस तरीके से सेक्शन खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहां पर देखिए फाइनेंशियल यहां पर ईयर पूछा जाएगा कि आप यहां पर किस ईयर का देखना चाहते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए 2021-22 का यहां पर ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहां पर 2021-22 का यहां पर जो है आ चुका है। आपको क्या करना है, 21-22 वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। उनके बाद आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, आप यहां पर किस जिला में रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को यानी कि अपने जिला को यहां पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहां पर आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है अपने ब्लॉक को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद यहां पर आपको एंड में ऑप्शन मिलता है पंचायत का, तो आप जिस भी पंचायत का देखना चाहते हैं या जिस भी पंचायत में आप रहते हैं अपने पंचायत का नाम यहां पर आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा, तो अपने पंचायत का नाम यहां पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहां पर देखिए प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलता है, इन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से यहां पर पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने यहां पर देखिए पूरा यहां पर जॉब कार्ड का लिस्ट यहां पर खुल करके आ चुका है। यहां पर आपको काफी सारे नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप यहां पर जो लिस्ट निकाल करके देख सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर आना है और यहां पर आपको एक थ्री लाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे। उनके बाद नीचे आएंगे यहां पर आपको फाइंड इन पेज वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जिस भी व्यक्ति का ढूंढना चाहते हैं जॉब कार्ड लिस्ट यहां पर देखना चाहते हैं उस व्यक्ति का आपको यहां पर नाम टाइप कर देना है। तो चलिए हम यहां पर एक नाम टाइप करके आपको दिखाते हैं, इस तरीके से हम यहां पर डाल देंगे और इस तरीके से यहां पर देखिए सर्च होता जाएगा, जो भी नाम होगा अपने अनुसार आप यहां पर इस तरीके से डालेंगे। तो चलिए हम यहां पर डाल देते हैं, इस तरीके से हम यहां पर डाल रहे हैं और यहां पर आ जाएगा। सपोज मान लेते यही आपका रहता तो यहां पर पूरा नाम इस तरीके से आ जाएगा, देख पा रहे MAN और यहां पर इस तरीके से आप डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर यही वाला नाम ढूंढ रहे थे तो यहां पर दो नाम आ रहा है, तो हम यहां पर एक बार इसे क्लिक करके देखेंगे तो एक ये भी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम नाम है, तो हम यहां पर पहला वाला देखते हैं कि ये वाला है। उनके बाद आपको क्या करना है, इनका देखने के लिए यहां पर देखिए जॉब आईडी कार्ड का नंबर है, आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे उनका यहां पर पूरा आ जाएगा, यहां पर जॉब कार्ड का पूरा डिटेल आ जाएगा, इस तरीके से आपको यहां पर जॉब कार्ड देखने को मिलेगा। जॉब कार्ड का नंबर रहेगा, पूरा नेम रहेगा, फोटो रहेगा, सारा चीज आप यहां पर देख सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर इनको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका यहां पर जॉब कार्ड होता है। उनके बाद यहां पर बैंक का नेम देखने को मिल पा रहा है कि कौन सा बैंक है। उनके बाद नीचे आएंगे तो आपने यहां पर कहां कहां काम किया है, किस किस डेट को यहां पर काम किया है, पूरा डेट आपको यहां पर देखने को मिलता है। उनके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर कितना कितना यहां पर पेमेंट मिला है वो भी आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि इनको इतना इतना यहां पर अमाउंट मिला है, टोटल यहां पर 7,920 रुपए इनको यहां पर जो टोटल पेमेंट सेंड किए गए हैं। सो इस प्रकार आप यहां पर जो जॉब कार्ड लिस्ट यहां पर नया वाला निकाल करके देख सकते हैं कि आपका जॉब कार्ड लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। आप चाहे तो इनको डाउनलोड भी
भी कर सकते हैं और उनका पूरा डिटेल भी यहाँ पर ले सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर थ्री लाइन वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उनके बाद नीचे आएंगे, शेयर वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर प्रिंट वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर आसानी से इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल में आप इनको अपने मोबाइल में यहाँ पर जो है सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट से हैं, दूसरे राज्य का यहाँ पर लिस्ट निकाल करके देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नीचे आना। सपोज अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस उसी तरीके से यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आपको अपने यहाँ पर एयर चूज करना है, फिर उनके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, उनके बाद यहाँ पर ब्लॉक चूज करेंगे, उनके बाद जिस भी पंचायत का आप यहाँ पर देखना चाहते हैं अपने पंचायत का नेम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर जॉब कार्ड का लिस्ट इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। और नेम ढूंढने के लिए आप यहाँ पर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिंड इन पेज वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करके नेम सर्च करके देख सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। सो इस प्रकार आप लोगों को जानकारी देना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।